नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। टॉपलेस होने से कोस्टार के जबरन किस करने तक विवादों के चलते सुर्खियों में रही काजल अग्रवाल। काजल अग्रवाल आज अपना 37वां जन्मदिन मना रही है। 19 जून 1985 को मुंबई में जन्मे काजल ने तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी फिल्मों में काम किया है। काजल ने रोहित शेट्टी की फिल्म सिंघम से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई थी। इस फिल्म में उनके काम को सराहना भी मिली, लेकिन वह साउथ की तरह बॉलीवुड में अपना जलवा बिखेरने में सफल नहीं रही। आज काजल के जन्मदिन के मौके पर चलिए जानते हैं उनके जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें और विवाद। एक पंजाबी फैमिली में जन्मे काजल अग्रवाल ने अपने कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उन्होंने 2004 में बॉलीवुड फिल्म क्यों हो गया ना से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। हालांकि इस फिल्म में वह ऐश्वर्या की दोस्त बनी थी और उनका रोल काफी छोटा था। फिर काजल ने साउथ इंडस्ट्री की ओर रुख किया और 2007 में लक्ष्मी कल्याणम से तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद वह कई फिल्मों में नजर आई और साउथ की जानी मानी अभिनेत्री बन गई। असल पहचान उन्हें 2009 में आई तेलुगु फिल्म मगधीरा से मिली थी। काजल अपनी फिल्मों के अलावा कई बार विवादों के चलते भी सुर्खियों में रही हैं। साल 2014 में एक मैगजीन के लिए किए गए उनके टॉपलेस फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस बारे में काजल की ओर से कहा गया था कि उन्होंने ऐसा कोई फोटोशूट नहीं कराया है। उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की गई। इसके बाद 2016 में रणदीप हुड्डा के साथ वह दो लफ्जों की कहानी फिल्म में नजर आई थी। इस फिल्म में दोनों के बीच एक किसिंग सीन दिखाया गया था। बताया जाता है कि इस सीन के बारे में काजल को कोई जानकारी नहीं थी। रणदीप ने उन्हें अचानक सीन में किस किया, जिसके बाद वह काफी नाराज हुई और खूब ड्रामा। फिल्म मेकर्स को काजल का गुस्सा शांत करना पड़ा था। इसी साल मदर्स डे के मौके पर काजल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर अपनी माँ के लिए कविता शेयर की थी। काजल ने कविता के लिए लेखिका को क्रेडिट नहीं दिया था और ना ही इजाजत ली थी। इसके बाद अभिनेत्री की पोस्ट पर आपत्ति जताते हुए कविता लिखने वाली इंस्टाग्राम यूजर सारा ने कॉपीराइट उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही एक पोस्ट भी साझा की थी। जैसे ही सारा की पोस्ट वायरल होने लगी, काजल ने अपनी पोस्ट को एडिट कर उन्हें क्रेडिट दे दिया था। काजल अग्रवाल की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने 30 अक्टूबर 2020 को उद्योगपति गौतम किचलू के साथ शादी रचाई थी। वहीं इसी साल 19 अप्रैल को उन्होंने अपने बेटे का स्वागत इस दुनिया में किया है। काजल अक्सर ही अपने बेटे और पति गौतम के साथ तस्वीरें शेयर करती रहती है। वर्क फ्रंट की बात करें तो काजल अग्रवाल इसी साल मार्च में रिलीज हुई फिल्म हे सनामिका में नजर आई। खबर में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसे ही मुख्य समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एनएमटी न्यूज। तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।